दबंगों का कहर किस तौर पर सामने आया है। बदमाशों ने बीकेटी क्षेत्र के ढाबे में गोलियां घुस करके चलाई हैं। सरेआम दबंगों ने फायरिंग की है। 7 राउंड फायरिंग के साथ में बदमाशों ने हथगोले तक डाले, हथगोले भी वहां पर दागे गए। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। फायरिंग में एक शख्स के पैर में गोली लगी है, घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हालांकि उस घटना के बाद में हमलावर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल तफ्तीश की बात करती है। बख्शी का तालाब क्षेत्र की यह घटना बताई जाती है, जहां पर दबंग एक ढाबे में घुसते हैं, बीकेटी क्षेत्र के ढाबे में घुस करके गोलियां चलाते हैं, हथगोले दागते हैं और उसके बाद में असलहे लहराते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। मगर सब कुछ होता रहा और पुलिस कुछ ही दूरी पर तमाशबीन बनी रहती है। तफ्तीश की बात अब हो रही है। बताया ये जा रहा है कोई आपसी विवाद है, जिसके क्रम में सुधाकर सिंह हैं, इनके दाहिने पैर में गोली लगी है। हालात सामान्य है, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है और इनको ट्रामा में तत्काल पुलिस के द्वारा वहाँ पर एडमिट कराया गया। उनसे तहरीर लेकर के अपराधियों जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी अरुण चतुर्वेदी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में है। अरुण, ये राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े घुस करके ढाबे के अंदर गोलियां चलाई, पुलिस कर क्या रही है? जी देखिए, आपको बता दूं कि राजधानी में लगातार क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से कहा गया था कि कमिश्नरी लागू होने के बाद अपराध पर कंट्रोल होगा, हम लगाम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं देखा। बदमाशों के हौसले बुलंद है। बक्सी का तालाब के ढाबा के किनारे एक शख्स था सुधाकर सिंह, जिन वहाँ पर बैठा हुआ था। गाड़ी से एक लोग आए, 7 लोगों ने अंधाधुंध कई राउंड फायरिंग की, वहाँ पर दहशत फैला दिया। जो वहाँ पर जो सुधाकर सिंह है उसके शहर पे गोली लगी है। आसपास के लोगों ने दहशत फैल गई, तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया, बताया गया खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ कौन लोग ये थे, क्या कोई जानकारी अब तक आ सकी कौन लोग ये थे और आखिर ऐसा क्यों किया? देखिए, पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद है। पुलिस का एक ही जवाब रहता रटा रटा है कि आपसी विवाद थी, उस पर गोली चली है, उनको इससे तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है, तहरीर की बात की जा रही है कि आपसी कुछ लेन देन का मामला होता है, इस वजह से अब किया गया है। लेकिन अब चश्मदीद ने अभी तक कोई जिसको गोली लगी थी, चश्मदीद का कहना है कि जिस हिसाब से 7 लोग आए थे, अचानक उतरेगा इस गाड़ी से और अंधाधुंध 7 राउंड किया, जिससे वहां पर बैठे लोगों पर अफरातफरी का माहौल हो गया, पूरा दहशत मच गया उसे। लेकिन फिलहाल अभी तक तहरीर मिलने पर परिजनों ने तहरीर दे दी है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द। शुक्रिया अरुण इन तमाम जानकारी के लिए।